नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो कि मैं लास्ट 1 मंथ से यूज कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगी कि इतने ही चीज मैं अपने हेयर पे यूज कर रही हूँ। इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड नथिंग कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर रही हूँ अपने हेयर पे, ऐसा भी नहीं है। ऑल्सो आई एम फोकसिंग ऑन हेयर रीग्रोथ। मैं कुछ चैलेंजेस भी कर रही हूँ, जैसे आपने सुना होगा मैंने रोजमेरी चैलेंज लिया था, उसका रिजल्ट मैं आपको जल्दी बताऊंगी बिकॉज अभी सिर्फ 1 महीने हुए हैं, अभी थोड़ा और टाइम मुझको उसको देना है और फिर मैं आपको ऑनेस्टली रिजल्ट बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसे सब कोई एक बार में कभी राइस का जाते हैं, कभी अनियन जाते हैं, कभी रोजमेरी जाते हैं, ऐसे ट्रेंड ना चलते रहता है, उस ट्रेंड में हम नहीं फंसेंगे और मैं आपको ऑनेस्ट रिजल्ट बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या है और कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, इतने पैसे खर्च करने की आपको जरूरत है भी या नहीं एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड आज के वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ। हेयर ऑयल में जो मैंने होममेड हेयर ऑयल बनाया था लास्ट मंथ, मैं उसी को यूज कर रही हूँ, दैट इज अनियन। एंड अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको वॉच कर लेना। पहले मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले लिया है, फिर मैंने दालचीनी ले लिया और 3 बड़े साइज प्याज ले लिया और सारा मेजरमेंट मैं आपको कमेंट में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में। और अनियन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। पैन में कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। सारा प्रोसेस हमें बिल्कुल लो हीट पे करना है और मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पुट कर दिया है। इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे रोस्ट होने तक, फॉर अराउंड 15 मिनट्स में कम्प्लीट हो जाएगा। एंड जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, सारे बबल्स रिमूव हो जाएंगे, तब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना। और मैंने यहाँ पे 250 ml ऑफ कोकोनट ऑयल डाला था और फिर मैं 250 ml ऑलिव ऑयल लूंगी जो कि मैं बाद में इस हेयर ऑयल में मिक्स करूंगी। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड आप देख सकते हो मैंने एक एम्प्टी कंटेनर ले लिया, मैंने हाफ DIY अनियन ऑयल डाल दिया एंड हाफ ऑलिव ऑयल डाल दूंगी। बिकॉज मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में एंड कुछ साल से ही मैं बता रही हूँ कि अनियन इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर मी और मेरे हेयर ग्रोथ में और हेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए अनियन मैं यूज करती हूँ। आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट। मेरे चैनल पे आपको 10 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे ऑफ अनियन स्पेशली। तो मैंने हेयर ऑयल बनाया था, उसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला था विच इज ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ऑलिव ऑयल मैंने डाला था 50%, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। एंड मैंने कैस्टर ऑयल एक्स्ट्रा ऐड किया है, थोड़े थोड़े कैस्टर ऑयल मैं अपने साइड्स में अप्लाई कर लेती हूँ। फॉर हेयर लेंथ आई यूज कोकोनट ऑयल या फिर एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल इज मोर अमेजिंग, तो इसीलिए जो एलमंड ऑयल मैं यूज करती हूँ उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सभी चीज मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो ये था मेरा हेयर ऑयल जो मैं यूज कर रही हूँ, अ सिंपल होममेड हेयर ऑयल। एंड लेंथ के लिए एलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट जो मैंने चैलेंज लिया था विच इज रोजमेरी चैलेंज, तो उसके लिए मैंने रोजमेरी के लीव्स लिए थे। पहले मैंने एसेंशियल ऑयल लिया था, 0 रिजल्ट्स ऑनेस्टली बताऊं तो, इसीलिए मैंने फिर तो रोजमेरी का जो ट्रेंड चल रहा है तो उसके लिए मैंने रोजमेरी लीव्स लिए थे फ्रॉम द ब्रांड वृक्षा वेदा, तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 1 कप ऑफ रोजमेरी लीव्स अगर आपके घर में या आसपास हो तो सबसे अच्छा है, फ्री में बन जाएगा। और उसको हमें 2 कप पानी लेना है और उसमें बॉइल करना है जब तक आपका पानी आधा होकर के 1 कप ना बजा। एंड देन आपको एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल लेना है, उसमें आपको डाल लेना है। आपको इसको एवरी सिंगल डे अप्लाई करना है ऑन योर स्कैल्प। एक बार ये रोजमेरी वाटर बना करके हम 1 वीक तक यूज कर सकते हैं। एंड शैम्पू के लिए आई एम यूजिंग दिस न्यूड शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए आई एम यूजिंग दिस न्यूड कंडीशनर। ऐसा कुछ कॉम्बो मैंने लिया था तो मैं उसको यूज कर रही हूँ। एंड शैम्पू मैं इसको यूज करती हूँ, दिस इज वेरी जेंटल माइल्ड शैम्पू, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं इसका कंप्लीट बॉटल फिनिश कर लूंगी। उसके बाद मैं दूसरे शैम्पू में स्विच करूंगी बिकॉज आई रियली लाइक दिस शैम्पू एंड ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। एंड कंडीशनर के लिए तो मैं कंडीशनर रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करती हूँ, ये कंडीशनर भी अच्छा है बट मैंने सिर्फ इसको एक बार यूज किया तो ऐसा मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ऐसा कुछ नहीं। दिस डज नॉट कंटेन एनी केमिकल्स, तो अगर आप को है कि केमिकल फ्री हमें कंडीशनर चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस कंडीशनर। तो यस, कंडीशनर में मैं कंडीशनर यूज नहीं करती ऑन द रेगुलर बेसिस, मैं सिर्फ अपने हेयर पे हेयर शैम्पू करती हूँ, अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ, 2 बार अपने हेयर को क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर को एयर ड्राई होने देती हूँ और फिर मैं एक सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। मेरे पास न्यूड का जो मैंने हेयर किट मंगाया था उसका सीरम था, वो खत्म हो गया, तो मैं अपने हेयर पे 1 to 2 drops ऑफ एलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग सीरम था मेरे पास जूसी केमिस्ट्री का विच इज 100% ऑर्गेनिक, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको परचेज कर सकते हो। सीरम जो कि नेचुरल है एंड इसका वर्क भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आपका हेयर पे आप अप्लाई कर लोगे इतना सॉफ्ट आपका हेयर हो जाएगा एंड उसको हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है, तो आप उस सीरम को परचेज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू। और हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, नॉर्मली जैसे मैं 5 मिनट तक अपने हेयर को मसाज कर लेती वो करती हूँ एंड नथिंग मच। यही थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने यूज किया है। एंड अगर आप मेरे सारे वीडियोस को कंबाइन करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी
शो कर रखा है, तो ऐसा कुछ स्पेशल प्रोडक्ट मैं यूज करती ही नहीं हूँ जो कि मैं आपको ना बताऊँ। तो अगर मैं फ्यूचर में यूज करूंगी तो डेफिनेटली उसका भी वीडियो एक दो महीने के बाद आ जाएगा, एंड उसका भी मैं रेगुलर अपडेट आपको देती रहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज पे बनाऊं आप मुझे कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।